गाइस कैसे हैं आप। गाइस बिल्लियों के साथ खेलना हर किसी को बेहद पसंद होता है क्योंकि ये इतनी प्यारी और क्यूट होती है। बट गाइस क्या आपको पता है कि बिल्लियां हमें काट भी सकती हैं। गाइस ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे 4 बार कैट ने काटा है। सो गाइस मैंने डिसाइड करा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की जाए। गाइस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी कैट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं और उस कंडीशन में कैट आपको काट सकती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कैट किसी बात को लेकर हमसे अग्रेसिव होती है और जब हम उस पर उसके पास जाते हैं तो वो उस कंडीशन में भी हमें काट सकती है। इस बिल्लियों का काटना कोई गंभीर समस्या नहीं होती है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं है। गाइस अगर आपको भी कैट ने खरोंच मारी है तो जिस जगह पर कैट ने खरोंच मारी है उस जगह को अच्छे से डिटॉल या सेवलॉन से साफ करें। उसके बाद उस खरोंच पे जो खून आ रहा है उस खून को दबाकर अच्छे से निकाल दें। गाइस सारे खून को निकालना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने सारे खून को बाहर नहीं निकाला तो हो सकता है आपके हाथ में स्वेलिंग आ जाए। जब सारा खून बाहर निकल जाए उसके बाद उस हाथ में यानी कि उस खरोंच में कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, उसके बाद आपकी ये खरोंच ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। सो गाइस ये तो हुआ फर्स्ट एड हल्की खरोंच का, लेकिन अगर आपको कैट ने ज़्यादा काटा है तो सिर्फ मैं आपको इतनी ही एडवाइस करूँगी कि आप तुरंत ही किसी डॉक्टर से सलाह लें। सो गाइस ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स कि अगर आपको कैट ने काटा है तो आप कुछ हद तक उसको ठीक कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।